आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। आप लोगों को याद है कि सब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितनी भी बातें हैं सब हम लोग जान चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सब जान चुके हैं। हार्मोनल कंट्रोल दोनों का हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और अब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पास्टुरेशन, ये सब पढ़ना है। देखिए टीचर जो है ना वो लेक्चर अपना तैयार करता है तो सिस्टमेटिक तैयार करता है कि ये पढ़ा लेंगे तो इसके बाद ये आएगा तो समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग सिस्टमेटिक सब पढ़िएगा ना, तभी समझ में आएगा सब। अपने सब जो भी लेक्चर है सब में 1, 2, 3 लिखा गया है, तो इस तरह आप लोग उसको सिस्टमेटिक देखिए और समझिए, पढ़िए, है ना। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, कहीं भी स्किप कीजिएगा, कहीं भी छोड़िएगा तो फिर आगे आप लोगों को दिक्कत होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, बहुत कुछ टर्म है इसमें। मेंस्ट्रुएशन पहले इसको हम लोग जाने, वेजाइनल फ्लो, ऑफ ब्लड टिश्यू एंड वन सेकेंडरी ओसाइट, उसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज पीरियोडिक साइक्लिक इवेंट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो घटना घटती है पीरियोडिक, मतलब कि जो बार बार लौट कर आता है उसको पीरियड कहते हैं ना, तो सिस्टमेटिक या साइक्लिक तो उसको हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्टिव, सो कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। इट इज फाउंड इन फीमेल प्राइमेट्स फीमेल प्राइमेट्स ह्यूमन एप्स मंकी, इट इज काउंटेड फ्रॉम फर्स्ट day of period to the next day of next
फर्स्ट डे ऑफ पीरियड है ना। ये जो मेंस्ट्रुएशन है ना, इसका दूसरा नाम पीरियड भी है ना, और मंथली भी कहते हैं इसको, है ना। इसका दूसरा नाम पीरियड, मंथली भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। होता क्यों है ऐसा? इट इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ या डिग्रेडेशन, ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम का टूट जाना है ना, ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू ऑफ इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम का वाल टूट जाता है, इंडोमे से टिश्यू टूट जाएंगे, ब्लड वेसल का वाल फट जाएगा, इस तरह मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाता है ना। अबाउट 30 to 50 ml ऑफ ब्लड फ्लोज पर साइकिल, एक साइकिल में 30 to 50 ml ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। इट इज इन लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है बिकॉज फेवरेनोजन, फेवरेनो फेवरेनो लाइटिक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम ब्रेक डाउन द क्लॉट ऑफ ब्लड। बस समझा रही है, ब्लड कहीं भी फ्री होगा तो क्लॉट कर जाएगा, क्लॉट इसलिए नहीं होता है वो क्योंकि फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम उसमें पाया जाता है, उसको तोड़ देता है ना। पीरियड कितना है? इट इज एट द इंटरवल ऑफ 28-29 days, ठीक है ना। बट इट रेंजेज इन सम 25 days टू 35 days, 25 to 35 days भी कुछ लोगों में हो सकता है, लेकिन एवरेज उसका पीरियड का टाइम है 28-29 days, ठीक है। इट इज, इट स्टार्ट्स इसको रहने दीजिए, ये हो जाएगा। अब हम लोग कुछ और टर्म देखें इसमें, है ना। एक है मीनार, इट इज ए स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज एट द पुबर्टी, या पुबर्टी होगी तब एट द एज ऑफ
11, 12 और 13 ईयर्स, जब फीमेल 11, 12 या 13 ईयर्स की होगी तब ये मीनार्क शुरू हो जाएगा, स्टार्ट ऑफ पहला मेंस जो है ना उसको हम लोग कहेंगे मीनार्क, मेनोपॉज। इट इज सीजेशन, सीज कर जाना, रुक जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना। ये दोनों टर्म है ना, ये मेंस मीन यहाँ जो लिखे हुए हैं इसका मीनिंग हो जाएगा मेंस, और आर्की ओरिजिन, तो ओरिजिन जब हुआ मीनार्की है ना, वैसे ही मीन मतलब मेंस, और पॉस मतलब स्टॉप, स्टॉपेज, ठीक है ना। ये दोनों टर्म समझने के पहले इसको एनालाइज कर लीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा है ना। इट इज एट एट द एज ऑफ, इट इज एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स, एनसीईआरटी 50 ईयर्स दिया हुआ है, इसको दिमाग में रखिएगा है ना। तो ये मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना। एक और टर्म है ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ, आप लोग इसको पढ़े हुए हैं, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम द ओवरी है ना। इट इट टेक्स प्लेस एट 14th डे फ्रॉम द, इट इज काउंटेड from 1st day of menstrual cycle पहला दिन से काउंट किया जाता है, उसके 14वें दिन जो है ना ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है। एक और बात इसमें, if a woman हैज मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज, अगर कोई वोमेन है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, देन डे ऑफ ओव्यूलेशन will be 14th day ना। अगर कोई वोमेन उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का है ना, तो ओव्यूलेशन कब हो जाएगा, 28 से 14 माइनस कर दीजिए 14 डे है ना। उसी तरह अगर किसी का 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ओव्यूलेशन का डेट क्या होगा है ना, 30 माइनस 14 कितना हो जाएगा,
सिक्सटींथ प्लस 16वां दिन उसका ओवुलेशन का टाइम हो। इस तरह हम लोग कुछ टर्म देखे, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन, है ना, और अब हम लोग इसका फेज देखेंगे, है ना। तो इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है।